हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का डे वन। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो प्रोसेस कॉस्टिंग है नॉलेज लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और पहले इसकी थ्योरी को समझें, फिर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें कि एक्चुअली में प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। देखिए एग्जाम में इसका वेटेज बहुत अच्छा है। और गाइस मैं आपसे ये भी कहूँ कि अगर आप जब नॉलेज लेवल में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको इस सब्जेक्ट को नॉलेज के लिए पढ़ना है। कि अगर आपने एक अच्छी स्किल एक्वायर कर ली ना, तो जब आप उसमें पहुँचेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में स्किल लेवल पर, तब भी आपको डेफिनेटली ये वाला जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी हेल्प करने वाला, और इवन इन दी प्रोफेशनल लेवल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कि प्रोसेस कॉस्टिंग को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले सब्जी, तो देखिए जब एक प्रोडक्ट है ना वेरियस प्रोसेस से होकर गुजरता है, मतलब यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि हमने एक जो गुड्स है प्रोसेस वन में डाला, और वहाँ से वो गुड्स प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस टू में गया, उसके बाद प्रोसेस टू के बाद अगर कोई प्रोसेस थ्री है तो प्रोसेस थ्री में भी उसका उसके ऊपर प्रोसेस हो रही है, और उसके बाद वो क्या है फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब जब किसी प्रोडक्ट को अपनी फाइनल स्टेज पर आने से पहले वेरियस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, वहां पर हम क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करते हैं। सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, जैसे अगर ये शर्ट है या टी शर्ट है तो क्या ये डायरेक्टली बन सकती है। पहले क्या रहा होगा, ये पहले कहीं ना कहीं रेशम के कीड़ों से हमने क्या बनाया होगा, यार्न बनाया होगा। यार्न मतलब थ्रेड, धागा कह लें। उस धागे को हमने किस में कन्वर्ट किया होगा, फैब्रिक में कन्वर्ट किया होगा। फिर फैब्रिक के बाद हमने उसको किस में कन्वर्ट किया है, गारमेंट्स में कन्वर्ट किया। तो यहां पर देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हर प्रोसेस के एंड पर उस प्रोडक्ट की सेलिंग वैल्यू होती है। आप थ्रेड को सेल कर सकते हैं, आप फैब्रिक को सेल कर सकते हैं। तो जब एक प्रोडक्ट वेरियस प्रोसेस से होकर गुजरता है तो हमें हर प्रोसेस के एंड पर प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसीलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सर प्रोसेस वन जैसे है तो बेटा यहां पर रॉ मटेरियल आप डालेंगे, यहां पर आप लेबर और ओवरहेड डालेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर है वो सारा यहां पर आप करने वाले, और फिर इस प्रोसेस से उठाकर प्रोसेस टू में डालेंगे। और इसी प्रकार से ये तो यहां से पी वन से माल आएगा प्रोसेस वन से, और उसके बाद यहां पर भी आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये सारे खर्चे लग सकते हैं। तो सर हमें हर प्रोसेस के एंड पर प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता करना है, इसीलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करते हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। अब जैसे यहां पर मैंने बताया कि प्रोसेस वन में आपने लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, फिर प्रोसेस टू में डाला, और फिर प्रोसेस तीन के बाद। तो एक प्रोसेस का मतलब हम ये कह रहे हैं कि सर एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए क्या होता है, इनपुट होता है। मतलब इस प्रोसेस का जो आउटपुट है इस प्रोसेस के लिए क्या है, इनपुट है। उसी तरीके से इसका आउटपुट किसके लिए है, इसके लिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर हमें तीनों प्रोसेस, इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोसेस अकाउंट। मतलब प्रोसेस अकाउंट को हम बनाएंगे, अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो पहले हम एक प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे, उसमें प्रोसेस वन, जो प्रोसेस वन पर जो प्रोडक्ट निकलेगा उसकी कॉस्ट को मेजर करेंगे, फिर प्रोसेस टू में जो प्रोसेस होगा उसके बाद वहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसकी कॉस्ट को भी हम क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले। तो पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझें। अब यहां पर आपको एक स्क्रीन पर पूरा डायग्राम देखने को मिल रहा होगा कि सर हमने यहां पर वही सारी चीजें की। तो यहां मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं कि आपने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डाले, उसको क्या किया उसमें मिक्सिंग किया। जैसे यहां प्रैक्टिकल एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया,
फिर वो मोल्डिंग प्रोसेस में गया सर, फिर वो पैकेजिंग प्रोसेस में गया, फिर वो फिनिश गुड्स में गया। और जब गुड्स फिनिश गुड्स बन जाता है, जब कोई प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बन जाता है, तो अल्टीमेटली फिर उसको हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो वो सेल कहाँ जाती है सर, जब किसी फिनिश प्रोडक्ट को आप बेचते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। तो अभी हम पूरा अकाउंट्स के थ्रू समझने वाले हैं, लेकिन आज पूरे प्रोसेस को समझने से पहले हमें प्रोसेस के अंदर सर कुछ लॉस भी हो सकता है, उसको भी समझना होगा। सर लॉस कैसे हो सकता है, आप सोचिए, आप एक डिपार्टमेंट में मिल्क की क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मिल्क से आप आपका रॉ मटेरियल है वो मिल्क है, आपने एक प्लांट में मिल्क को डाला, उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद उससे लेट से आप बटर बना रहे, तो मिल्क के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, तो क्या जितना पूरा मिल्क डालेंगे क्या वहां पर कुछ लॉस नहीं हो सकता है, क्या प्रोसेसिंग के दौरान कुछ मिल्क गिर सकता है, कुछ उड़ सकता है, भाप बन के उड़ सकता है, तो इन लॉसेस का ट्रीटमेंट भी हमें यहां पर सीखना है। तो बेसिकली लॉस को हम बेटा यहां पर दो कैटेगरी में बांटने वाले हैं, एक आपका हो गया नॉर्मल लॉस और एक हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती है वो लॉस के ट्रीटमेंट में ही आ सकती है। तो पहले मैं आपको लॉस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि सर लॉस का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, फिर हम एक नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या करेंगे यहां पर सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आज आपने उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको 100% ये प्रोसेस कॉस्टिंग में मान के चलिए आप 100% उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो सर आपने अभी बताया कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में लॉस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा हमारा नॉर्मल लॉस और एक हमारा होगा एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि नॉर्मल लॉस क्या है, तो बेटा ध्यान रखिए नॉर्मल लॉस का मतलब होता है विच इज नॉट अवॉइडेबल, विच कैन नॉट बी अवॉइडेबल। आप सोचिए आपने एक प्लांट में मिल्क डाला और उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिल्क आपका स्क्रैप में कहीं ना कहीं वेस्टेज में जाएगा डेफिनेटली। 100% मिल्क ही प्रोसेस होके फिनिश गुड्स नहीं बना सकते, मतलब आप अच्छे से अच्छा मिल्क क्वालिटी को यूज कर लें, अच्छी लेबर भी लगा लें, बट स्टिल क्योंकि ये प्रोसेस का ही पार्ट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर डेफिनेशन पढ़ें, द टर्म रेफर टू नेचुरल परसेंटेज ऑफ अनअवॉइडेबल वेस्टेज इन ए प्रोसेस और ऑपरेशन, सच वेस्टेज इज नॉट अवॉइडेबल एज इट ऑकर इन द ऑपरेशंस नेचुरल कोर्स। आप सोचिए आपने कभी गेहूं की चक्की देखी है, उसमें हम गेहूं डालते हैं और चक्की चलती है और उसको क्या करती है, वो प्रोसेस करती है। तो क्या 100% जितना आपने अगर 10 kg उसमें गेहूं डाला है तो क्या पिसने के बाद पूरा 10 kg फ्लोर आता है, बिल्कुल नहीं आता, कुछ ना कुछ तो श्रिंक हो जाता है, मशीन में रह जाता है, तो वो ऑपरेशन का ही पार्ट है। मतलब नॉर्मल लॉस को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि अल्टीमेटली आप कितनी सावधानी से यूज कर लें, कितने अच्छा मटेरियल यूज कर लें, आपका नॉर्मल लॉस होगा। तो एक बात सर हमें याद क्या रखना है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अब समझेंगे, क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल वेस्टेज लॉस शुड बी चार्ज टू गुड यूनिट्स। बस इस लाइन को आप ध्यान रखिए क्योंकि MCQ बेस्ड एग्जाम है बेटा, इस लाइन को याद रखिए, नॉर्मल वेस्टेज एंड लॉस शुड बी चार्ज टू गुड यूनिट। मतलब जो नॉर्मल लॉस होता है वो गुड यूनिट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है सर, गुड यूनिट का। कैसे समझे सर, देखिए आपको एक बोर्ड पर फॉर्मूला दिया, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अब हम समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, 1000 किलो कोई रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल को आपने एक प्रोसेस के अंदर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया, कितने किलो को सर, 1000 किलो को,
है ना। और मान के चलिए 1000 किलो रॉ मेटल आप लेकर आए थे 15 रुपए पर किलो पर, ठीक है, तो 1000 × 15 आपकी कॉस्ट कितनी आई? तो सर 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15000 आ गई, है ना। अब मानकर चलिए पहला एग्जांपल क्या है कि आपने 1000 किलो रॉ मटेरियल एक प्रोसेस के अंदर डाला, उसको प्रोसेस किया और आपने एक्सपेक्ट किया कि आपका लॉस जो होता है ना वो नॉर्मल लॉस 5% है। नॉर्मल लॉस कितना है सर? 5%। मतलब जितना भी रॉ मटेरियल आप डालते हैं उसका 5% वो क्या हो जाता है? नॉर्मल लॉस हो जाता है। मतलब आपकी यूनिट कितनी आती? 1000 का 5% कितना होता है? 50। तो फ्रेश यूनिट कितनी आई? 950। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, 15000 डिवाइडेड बाई 950 से आपने डिवाइड किया तो यहां पर आपकी एक यूनिट की क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। तो हमने क्या किया सर, हमने यहां पर 1000 नहीं लिया, हमने किससे डिवाइड कर दिया? तो हमने क्या किया, नॉर्मल लॉस को गुड यूनिट के ऊपर चार्ज कर दिया। सर अगर मान के चलिए हमने प्रोसेस में कोई गुड्स इनपुट डाला है, कोई इनपुट किया है और मान के चलिए ये जो हमारा नॉर्मल लॉस स्क्रैप था ना, मान के चलिए हम मिल्क की प्रोसेस कर रहे थे, कुछ मिल्क हमारा खराब हो गया, तो हम उसको अगेन क्या कर सकते, बेच सकते, तो उसकी कहीं ना कहीं स्क्रैप वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसी एग्जांपल में लूं कि मैंने 15000 की कॉस्ट डाली थी और मेरा 50 केजी था ना वो क्या था सर, नॉर्मल लॉस था। उस नॉर्मल लॉस को मैं 2 रुपए किलो में बेच सकता हूं या मैं और ज्यादा 2 रुपए केजी में क्या कर सकता हूं, मैं सेल कर सकता हूं। तो ध्यान रखिए मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी सर, 15000 लगी थी। उस 15000 में से मैं 100 रुपीज तो क्या कर लूंगा, रिकवर कर लूंगा ना बच्चों। सर 50 केजी जो मेरा रॉ मटेरियल खराब हो गया था उसको मैं एज ए स्क्रैप बेच सकता हूं, तो 100 रुपीज मतलब 15000 मेरे लगाए जरूर हैं, 15000 मैंने लगाए जरूर है, लेकिन उस आउट ऑफ 15000 आई एम इन ए पोजिशन की मैं 100 को क्या कर सकता हूं, स्क्रैप में बेच सकता हूं। मतलब मेरी नेट कॉस्ट तो बेटा 14900 आई है, तो अब एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए मैं इसको 950 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो आप अल्टीमेटली नॉर्मल लॉस को क्या कर रहे हैं, गुड यूनिट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस कभी भी आपने कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट नहीं करना है, उसको उसको क्या करना है, गुड यूनिट का ही पार्ट मान लेना। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सर टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उस टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप को माइनस कर देंगे और स्क्रैप किसका, जो वैल्यू ऑफ ए नॉर्मल लॉस, और उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो सर एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमने 1000 में सोचा था कि 5% का क्या हो जाएगा लॉस, तो 1000 का 5% कितना हुआ, 50। तो 50 माइनस करके आपका एक्सपेक्टेड कितना हो गया, 950 से डिवाइड करके आपने एवरेज कॉस्ट क्या है पर यूनिट को यहां पर कैलकुलेट कर लिया और आपने नॉर्मल लॉस को गुड यूनिट का क्या मान लिया, पार्ट मान लिया। तो यहां पर अगर हम 14900 को 950 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी निकल कर आ जाएगी। वैसे देखा जाए तो हमारी अगर लॉस नहीं होता तो 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होती सर, 15 ही होती, लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, लॉस को माइनस करने के बाद, लॉस की स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने के बाद जो एक्सपेक्टेड यूनिट है उससे उसको क्या किया है, डिवाइड किया। अब एबनॉर्मल लॉस का सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होगा और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कई बार स्टूडेंट को एबनॉर्मल लॉस को निकालने में प्रॉब्लम सकती है, फिर मैं आपको 2 बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या। तो डेफिनेशन अगर पढ़ें, ऑल दोज लॉसेस विच हैपन ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। अब सर एबनॉर्मल रीजन में क्या हो सकता है, आप सोचिए, आप एक जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल लिया, आप एक फैक्ट्री में मिल्क के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, अब अचानक क्या होता है कि एक जिस बकेट में या जिसमें जिस आप कंटेनर में मिल्क को स्टोर कर रहे हैं वो एक्सीडेंटली डुल जाता है, क्या ये प्रोसेस रोज रोज होने वाली, क्या आपका
मिल्क जो बकेट में या कंटेनर में आपने रखा था वो क्या रोज गिरने वाला है, तो ये एक एबनॉर्मल रीजन, ये एक्सीडेंटल है, ये एक्सीडेंटल लॉस है सर। अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है जिससे मिल्क क्या हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या ये नॉर्मल सिचुएशन? तो सर एबनॉर्मल लॉस तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में होता है, एबनॉर्मल सिचुएशन में होता है। सर एक वर्कर है वो कैजुअलिटी रूप में काम कर रहा है, ये मशीन अचानक खराब हो गई, या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल आ गया, जो मटेरियल जो मिल्क था हमने जो प्रोसेस करने के लिए हमें दिया गया था वो 6 दिन पुराना था, तो हमने क्या किया उस मिल्क के ऊपर प्रोसेस किया तो उसको पूरा मिल्क खराब हो गया। तो ये मुझे बताइए ये जो लॉस है क्या रोज हमारे पास पुराना माल आएगा, क्या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल आएगा क्या? तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना वो किसके कारण होता है, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस। If you use a bad quality of raw material production, the big risk of wastage in a production. So use of bad quality raw material reason for abnormal loss. तो सर substandard quality का material, bad quality का material, और अगर कोई worker skill नहीं है, inefficiency of worker, worker की रात में नींद लग गई, वो सो रहा था, वो बटन दबाना भूल गया और milk बहुत ज़्यादा process होते रहा तो milk खराब हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस, तो सर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल सिचुएशन में हुआ है तो हमें सबसे पहले लॉस को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अलग होगा और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अलग होगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि सर हमें सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस को अलग करते आना चाहिए। अलग कैसे करेंगे, मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये छोटे सी जगह पर लिख रहा हूं, फिर सीधे हम प्लेन पेज पे आएंगे। मान के चलिए आपने 1000 किलो रॉ मटेरियल प्रोसेस के लिए डाला और आपका एक्सपेक्टेशन थी कि 5% का क्या होगा, लॉस होता है, मतलब पिछले 5-10 साल का डेटा एनालिसिस करकर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सर कि 10,000 केजी को हम अगर प्रोसेस करेंगे उसमें से 5% लॉस हो जाता, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था, 950 केजी। तो सर अगर 1000 का 5% निकालें, ये 5% है तो 1000 का 5% हो गया 50, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना आएगा, 950, बट एक्चुअल आउटपुट जब हमने लिखा, एक्चुअल आउटपुट, तो वो लेट से हमारा आया है 850, तो आना चाहिए था 950, आया कितना है 850, तो कितना कम आया है, 100 कम आया। तो ये 100 क्या है सर, हमारा एबनॉर्मल, ये क्या है हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो सर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने 1000 किलो डाला उसमें से आया 850 तो कितने का लॉस हुआ सर, टोटल लॉस तो 150 का है, 150 का लॉस है, इसमें से 50 कौन सा है, नॉर्मल है, और 100 क्या है, एबनॉर्मल है। तो बेटा आपको सबसे पहले यूनिट वाइज क्वांटिटी वाइज क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नॉर्मल लॉस कितना है सर और एबनॉर्मल लॉस कितना है, उसके बाद इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो सर अभी हम सिर्फ इतना समझे हैं कि सर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जब आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट होता है, मतलब एक प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनने से पहले वेरियस प्रोसेस से होकर गुजरता है और हमें हर प्रोसेस के एंड पर कॉस्ट को पता करना पड़ता है, और प्रोसेस के अंदर जब हम रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं तो सर वहां पर लॉस आ सकता है, और लॉस दो प्रकार के हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, और एक एबनॉर्मल गेन भी होता है जिसको कि हम अभी समझेंगे, लेकिन पहले हमारा फोकस लॉस में नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल लॉस के बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने यहां
पर प्रोसेस कॉस्टिंग के अभी जस्ट स्टार्टअप किया है। अब मैं क्या करता हूं कि पहले आपको है ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता हूं। देखिए बेटा, नॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो कई बार एकदम बड़े क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, और एग्जाम भी बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। तो हमने क्या करना है, जो हमने समझा उसके बेसिस पर हम अभी दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फिर हम आगे की प्रोसेस को क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। तो चलिए सीधे हम अब क्वेश्चन निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को निकालिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमारे सामने एक एग्जांपल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बेसिकली ये भी समझेंगे, मैं आपको अब दो एग्जाम्पल पहले कराऊंगा फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है बेसिकली वो बात कर रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस को हम किस तरीके से क्या है यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए तो हम पहले प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक प्रोसेस अकाउंट बना लेता हूँ। आपको एग्जाम में अकाउंट्स बनाना नहीं है क्योंकि यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा ना इसके लिए। तो ये देखिए, यहां पर मैंने लिख लिया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। तो आप घर पे भी अगर अकाउंट बना के करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो सकता है। यहां पर आप एक ना यूनिट का कॉलम और डाल दीजिए, एक आपको पता रहे कि कितनी यूनिट्स आपने डाली है। यहां पर मैं यूनिट डाल दे रहा हूं। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े कि इनपुट टू प्रोसेस वन ड्यूरिंग ए पीरियड वॉज 1000 यूनिट लिखा है वो, ऑफ अ रॉ मटेरियल विच कॉस्ट ऑफ $40,000। तो सर हमने क्या किया, यहां पर रॉ मटेरियल डाला, तो हमने देखिए डेबिट साइड लिख दिया। कितनी यूनिट डाला सर, 1000 का, और कितने का था वो, $40,000। तो ये $40,000 डाल दिए। उसके बाद यहां पर देखिए लेबर डालिए, तो सर लेबर हो गया लेबर। अच्छा, लेबर यूनिट्स में तो होता नहीं है, तो लेबर कितने का है, 50,000 का है, तो हमने 50,000 का लेबर डाल दिया। उसके बाद ओवरहेड 20,000 के किए सर, तो सर ये हो गया हमारा ओवरहेड, 20,000 की ओवरहेड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में साफ बोला है कि सर 1000 यूनिट हमने डाली थी, 1000 यूनिट डाली थी, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद नॉर्मल लॉस आपका कितना हो रहा है, 10%। वी हैव डिस्कवर्ड दैट लॉस नॉर्मली अकाउंट फॉर 10% इनपुट। मतलब आपने 1000 यूनिट को इंट्रोड्यूस जरूर किया था, लेकिन एक्चुअल में जो आपका आउटपुट आया है वो 1000 का नहीं आया है, वो कितने का आया है, 10% माइनस करेंगे तो 900 का आया है। तो सर अब हम यहां पर देखिए कॉस्ट पर यूनिट, मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको नॉर्मल लॉस का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले सर, कुछ नहीं, आपने टोटल सबको जोड़ देना है। ये जो टोटल लेकर आए हैं ये आपका क्या है, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000। देखिए तो 110,000 की आपकी टोटल कॉस्ट है। अब ये तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई सर। सर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है, एक्सपेक्टेड, तो ध्यान रखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट हमेशा कैसे निकलेगा, नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद। सर हमने यहां पर 1000 यूनिट डाली थी, उसमें से 10% हमारा क्या है, लॉस है, तो ये 100 माइनस कर दिया, तो सर 900 हमारी क्या हो गई, एक्सपेक्टेड आउटपुट, दिस इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो आपको यहां पर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब मैं आपको पूरा बोर्ड पे समझा रहा था तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप यहां पर कॉस्ट जो लगी है उसमें से लेस कीजिए स्क्रैप वैल्यू। क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्रैप वैल्यू को लेस करना पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड किससे कर देंगे सर, एक्सपेक्टेड आउटपुट से। तो मैं यहां पर उसको क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे मैं देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपको कैलकुलेटर पर थोड़े से वर्किंग नोट्स बनाते आने चाहिए। तो सर एक्सपेक्टेड आउटपुट
सर कॉस्ट थी हमारी 1,10,000। अब क्या क्वेश्चन ने हमें कोई स्क्रैप वैल्यू दी हुई है? तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ स्क्रैप यूनिट हैव अ स्क्रैप 20 यूनिट, 20 रुपीज ईच। मतलब जो यूनिट हमारी खराब हुई है हम उसको 20 रुपए में क्या कर सकते हैं सर, बेच सकते हैं बेटा। चलिए तो 20 रुपए में बेच सकते हैं ना, तो यहां पर आप उसमें से माइनस क्या कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे, 20 रुपीज, 20 एक यूनिट का है तो 100 के हिसाब से कितना हो गया, 100 × 20 कितना होता है, 2000। तो आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई, इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 900, तो नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। तो सर 1,10,000 में से 2,000 गए तो कितना बचा सर, 1,08,000 बचा, डिवाइडेड बाई, ध्यान रखिए मैं यहां पर कितने से डिवाइड कर रहा हूं, 900 से। तो ये मेरा 120 रुपए क्या आया है, पर यूनिट मेरी क्या आ गई है, कॉस्ट है, ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट है, मेरी पर यूनिट कॉस्ट। अब इस यूनिट को मैं क्या करूंगा, कितनी यूनिट को ट्रांसफर करूंगा सर, प्रोसेस टू में। इस प्रोसेस से सबसे पहले एक तो हो गया सर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हो गया था मेरा कितना यूनिट का, 100 यूनिट का। उस 100 यूनिट को बेचकर 20 रुपीज में मैंने बेचा तो मैंने 2000 तो क्या क्या है रिकवर कर लिया, बाकी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रोसेस में हम कितना पहुंचा रहे हैं, 900, और 900 को हमने देखो 120 के हिसाब से वैल्यू किया, तो 900 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ × 120, तो आप देखिए दोनों तरफ का टोटल टेली आएगा, ये हमने क्या कर लिया है टोटल। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। 1,10,000 यहाँ पे आपका कितना आ गया, 1,10,000। तो ध्यान रखिए जब कभी भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करेंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस में जो स्क्रैप वैल्यू है उसको आपने क्या करना पड़ता है, यहां से माइनस करना है, और आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस को गुड यूनिट पर चार्ज कर दिया। सर ये 1,000 यूनिट थी, इसकी कॉस्ट 1,10,000 थी, लेकिन एक्चुअल में आपने ट्रांसफर कितना किया, 900, क्योंकि 100 तो खराब हो गई, तो हमने क्या किया, 1,10,000 माइनस 2000, नीचे देखिए 1,10,000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 900, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट की कॉस्ट निकाली। तो सर 1 यूनिट की कॉस्ट हमारी कितनी आई थी, 120 आई थी। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 900 यूनिट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है। तो सर यहां पर एबनॉर्मल लॉस नहीं था, क्यों नहीं था बेटा, 1,000 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा नॉर्मल लॉस कितना होगा, 10%। तो सर 1,000 में से 10% माइनस किया 100, तो 900 बचा, और एक्चुअल आउटपुट ही 900 आया। लेकिन सर अगर एक्चुअल आउटपुट मेरा 900 से कम आ जाता तो वो सिचुएशन क्या होती, एबनॉर्मल लॉस की होती। और अब एबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन को भी हम क्या है करने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है वो आप क्या करते हैं, यहां से ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं इसके ऊपर। तो हमने इसको यहां पर ब्रैकेट में कवर कर दिया है। तो इस तरीके से आपको क्या है, प्रोसेस अकाउंट का वर्किंग नोट कच्चे कागज में बनाना पड़ सकता है, ये आपकी होगी प्रोसेस वन। और एक प्रोसेस से जो आउटपुट है वो दूसरी प्रोसेस में जाता है, तो जो कॉस्ट इनकर्ड करोगे वो डेबिट साइड पे करोगे, और जो दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर करोगे वो आप क्या करें अपनी राइट हैंड साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट पर यूनिट का क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ और एक एबनॉर्मल लॉस का भी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, जिससे आपको दोनों अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम एक स्क्रैप अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम एक नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों का मिलाकर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन को सही करना है तो पहली प्रोसेस जो है ना, पहली स्टेप, क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करना। चलिए तो रीड करते हैं। इनपुट टू प्रोसेस वन ड्यूरिंग ए पीरियड वॉज 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल विच कॉस्ट 40,000, अदर कॉस्ट वर लेबर $50,000 एंड ओवरहेड $20,000।
तो आपने रॉ मटेरियल 40,000 का डाला, लेबर 50,000 की लगाई, ओवर हेड 20,000, जैसे पीछे क्वेश्चन में था सेम है, बस यहां डिफरेंट क्या है, ऑल ऑफ द आउटपुट वॉज ट्रांसफर टू प्रोसेस, जो भी बना है वो सारा माल प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर दिया गया। वी हैव डिस्कवर्ड दैट लॉसेस नॉर्मली ऑकर 10%। तो सर हमारा जो नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस आपको पहले से दिया है कि नॉर्मल लॉस हमारा कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। हाउएवर दिस टाइम आउटपुट प्रोसेस टू इज 880 यूनिट, नॉट 900 एज एक्सपेक्टेड। तो सोचिए कि आपने 1000 डाला था और अगर 100 का लॉस होता तो आपकी एक्सपेक्टेड यूनिट कितनी आनी चाहिए थी सर? एक्सपेक्टेड यूनिट, हमेशा एक्सपेक्टेड यूनिट आपको निकालना है, तो सर वो आनी चाहिए थी 900। एक्चुअल कितनी है बेटा? एक्चुअल हमारी देखो यहां लिखा हुआ 880, तो एक्चुअल कम आई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस। अभी मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था, मैं आपको स्क्रीन पे भी समझा रहा हूं कि आपको दो लॉस पता करने पड़ेंगे। तो सर हमारे इस क्वेश्चन में जो 100 है, ये जो है कौन सा है, नॉर्मल है, और ये जो 20 है इसको मैं रेड कलर कर दे रहा हूं, ये कितना है सर, ये हमारा जो है एबनॉर्मल। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे, तो वैसे ही मुझे फिर से एक प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप जब घर पे प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल ऐसे बना के करें। तो प्रोसेस वन हम बनाने जा रहे हैं, यहां हमने लिख लिया पर्टिकुलर, यहां लिख लिया हमने यूनिट्स की, हमने कितनी यूनिट डाली, ताकि हम यूनिट का कॉलम इसलिए बनाना चाहिए कि आप यूनिट को क्या कर सके, टैली कर सके। फिर यहां डाल दिया आपने अमाउंट, मैं एज इट इज इसको कर लेता हूं कॉपी, सर इससे हमने थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ये हमने कर लिया। अब सर हमने कितनी यूनिट डाली थी, रॉ मटेरियल कितना डाला था, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सर 1000 यूनिट डाली थी और 1000 यूनिट के ऊपर रॉ मटेरियल कितना डाला था आपने, ये लिखा हुआ है, 40 का रॉ मटेरियल था, लेबर 50 की थी और 20 के थे ओवरहेड। सर 40 का डाला रॉ मटेरियल और 50 की डाली लेबर, लेबर डाली 50,000 की और ओवरहेड डाले हमने 20,000 के, तो ये हमने यहां लिख लिया। अब ध्यान रखिए कि सर हमारी टोटल कॉस्ट, इसको अगर हम प्लस कर दें, क्या कर दें, तो प्लस करके 40-50 कितना आएगा, 1,10,000 आएगा। तो अब हम यहां पर वर्किंग मोड बना रहे हैं, वर्किंग, तो वर्किंग नोट में हमें ये बनाना है कि सर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी बेटा। सर टोटल कॉस्ट हमारी लगी थी, टोटल कॉस्ट लग गई 1,10,000। इसमें से ध्यान रखिए हमेशा क्या माइनस करना है आपको, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, कभी भी एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू मत माइनस करना। किसकी माइनस करना है, केवल नॉर्मल लॉस वैल्यू, क्योंकि सर एबनॉर्मल लॉस हर रोज थोड़ी होगा। तो हम हमारी जो कॉस्ट निकालेंगे वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे, सही कॉस्ट निकालेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू, तो यहां लिख दे रहा हूं नॉर्मल लॉस वाली, ध्यान रखना नॉर्मल, बेटा यही चीज नहीं तो दिक्कत दे जाएगी। तो नॉर्मल लॉस कितना था सर, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 100, और 20 रुपीज में इसको बेचते हैं तो कितना आ गया, 2000। तो सर ये हो गया हमारा 1,08,000, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट तो हमारी वही आना है, 1,08,000 डिवाइडेड बाई कितना करते हैं सर। तो यहां ध्यान रखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्योंकि फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड हमेशा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल नहीं। देखिए यहां पर आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, सॉरी एक्सपेक्टेड यूनिट 900 है, ये एक्चुअल है। देखिए एक्चुअल में क्योंकि एबनॉर्मल लॉस आ गया, इसीलिए वो एक्सपेक्टेड से कम आई। तो इसीलिए जब कभी भी कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे
तो हमेशा कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे सर? एक्सपेक्टेड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम हमारी नॉर्मल कॉस्ट को पता करना चाहते हैं। अब अचानक एक्सीडेंट हो गया जिससे हमारी 20 यूनिट खराब हो गई, तो हम उस एबनॉर्मल यूनिट का बर्डन कभी भी अच्छी यूनिट के ऊपर नहीं डाल सकते। इसीलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड, ये इसके नीचे हम यहां लगा रहे हैं बेटा डिवाइडेड। तो आपको छोटे कॉन्सेप्ट डेफिनेटली याद रखने पड़ेंगे, ये हमने यहां से डिवाइड किया। यहां मैं देखो लिख दे रहा हूं एक्सपेक्टेड, लिख दे रहा हूं टोटल माइनस नॉर्मल लॉस, बस ये चीज आपको ध्यान रखना। सर हमारी 108,000 डिवाइडेड बाई 900 किया तो हमारी 120 रुपए कॉस्ट पर यूनिट है। अब हम वापस जाते हैं तो यहां लिखे बेटा नॉर्मल लॉस, ये हो गया नॉर्मल लॉस। कितना यूनिट हुआ सर? 100 यूनिट हुआ। कितने में बेचते थे उसको? 20 रुपए में बेचते थे तो 2000। सर अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ? सर 20 यूनिट। तो ध्यान रखिए उसका वैल्यूएशन भी किस पे करेंगे, जो कॉस्ट पर यूनिट निकली है। तो 20 × 120 ये हो गया आपका 2400। और प्रोसेस टू में यहां से क्या हो जाएगा? प्रोसेस टू में कितना जाएगा सर? 880। तो उसका वैल्यूशन देखिए 880 × 120 मल्टीप्लाई की, सबका टोटल लगाइए वही 110,000 आना है, लगा के देख लो 2000 + 2400 प्लस कितना था हमारा 105,600। तो पूरा 110,000 दोनों तरफ से टेली होगी। तो ये था हमारा सर प्रोसेस अकाउंट। कौन सा था सर ये? क्या था हमारा प्रोसेस अकाउंट? इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि आप अगर पॉज करके देखें आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही तरीके से देखेगी। हाँ सर कहाँ, ये यूनिट का कॉलम है और ये आपका नीचे हो गया टोटल, दिस इज टोटल। दोनों तरफ का टोटल आपका क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रोसेस। अब हम एक एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाते हैं। एबनॉर्मल लॉस, बस यहां कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं इसलिए बना रहा हूं सर। ये प्रोसेस अकाउंट में आपने क्रेडिट किया था ना, देखो यहां पे ये किया था ना, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया था ना 20 यूनिट का लॉस, ये 24। तो यहां क्रेडिट किया था तो एबनॉर्मल लॉस में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस में हुआ था सर ये? टू प्रोसेस वन से है। तो प्रोसेस वन का नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का था सर? 20 यूनिट। कितने का लॉस था? 2400 का। अब इसमें से आप इसको स्क्रैप में बेच सकते ना कुछ को, तो कितने का आया था आपका ये जो एबनॉर्मल लॉस आपने निकाला था 2400 का, इसमें से इस 2400 यूनिट को मैं, इस 20 यूनिट को आप कितने में बेच सकते हैं? स्क्रैप वैल्यू दी थी ना 20 रुपीज, तो 20 × 20। तो सर हमने क्या किया, 400 तो हमको रिकवर हो गया, तो यहाँ 22 स्क्रैप लिख दिया मैंने। और बाकी कहाँ चले जाएगा? बाकी चले जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। तो ध्यान रखिए लॉस हमारा 2400 नहीं, पीएनएल में। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि लॉस हमें एक्चुअली में कॉस्टिंग पीएनएल में कितना पूछना। अगर उन्होंने पूछा कि एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, तो ध्यान रखिए बेटा एबनॉर्मल लॉस आपका 2400 का है, लेकिन पीएनएल में कितना जाएगा? 2000 जाएगा, क्योंकि 400 की तो स्क्रैप वैल्यू हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। तो देखिए ये दे रखी थी ना कि स्क्रैप यूनिट को हम 20 रुपए में बेच सकते थे। तो सर हमारा जो एबनॉर्मल लॉस हुआ कितने का? 2400 का, लेकिन उस 2400 में से 400 तो हम क्या कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे। और उसके बाद जो 2000 का जो लॉस बचेगा हम उसको कॉस्टिंग पीएनएल में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा ये था आपका नॉर्मल लॉस का भी एग्जांपल और एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूं जिसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। अभी हमने समझा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। फिर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नॉर्मल लॉस होगा और एबनॉर्मल गेन होगा, उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे ये हमने यहां पर सीखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे।